नहीं, ये तो टेररिस्ट है, कहना कह नहीं पाए, कहना नहीं चाहिए, पर ये टेररिस्ट है और इनको हम वीआईपी ट्रीटमेंट दे रहे हैं और खाना पीना ये सब उसके बाद ही लगा रहे हैं, अपना रिसोर्सेज इन पे एग्जॉस्ट कर रहे हैं, अपने डॉक्टरों को बीमार कर रहे हैं इनके लिए, अपना खाना खत्म करा रहे हैं, होटल का बिल पे कर रहे हैं, हम लोग रोज लाख सवा लाख रुपया होटल बिल पे कर रहे हैं, इन लोगों से कितने डॉक्टर क्वारंटीन जा रहे हैं, तो इनकी वजह से तभी तो कह रहे हैं तो ये नहीं है। तो हमारे पास एक मरीज था पॉजिटिव, वो भी चला गया, बड़ा शरीर ना रही था, चला ठीक हो गया, कोई नहीं था, अब इनके लिए हमारे सारा रिसोर्सेज चला तो इनके गया। तो इनके लिए आप कहिए, हमारे 100 किट यूज हो रहे हैं, एक किट का दाम हमको तो सब्सिडाइज मिल रहा है 500-700 रुपए का, पर एक किट का दाम गवर्नमेंट को 2500 रुपया पड़ रहा है, अब वो सोचिए 2500 और 100 किट रोज इनके लिए, ये नहीं हो तो हमें किट चाहिए नहीं, कोई नहीं होता, जीरो है। एक ओम प्रकाश भर्ती तो है, हम लोगों को कुछ नहीं करना, अभी उसकी रिपोर्ट नहीं आई है मैम, तो फिर एक ओम प्रकाश और भर्ती है, अच्छा है बेचारा, वो अपना बंद करके है तो बेचारा। मैम बताइए फिर जमातियों का फिर क्या करेंगे, रवैया इसके लिए क्या करेंगे? मैं वैसे तो सोच रही हूँ कि आप कहीं लीक मत करिएगा, हेल्थ मिनिस्टर से बात करेंगे, डॉक्टर हर्षवर्धन से बात करेंगे, लेटर ही लिखिए तो उसके तो यहाँ तो ये लोग कोई नहीं सुनेंगे, डरते भी हैं, डीएम तो वही मुख्यमंत्री के आदेश चल रहे हैं, मुख्यमंत्री कहीं ना कहीं अपीजमेंट वाला मार्ग अपना रहे हैं। नहीं तो आप उसकी आप लोग कोई रिकॉर्ड तो नहीं कर रहे, नहीं रिकॉर्ड करो, आप बात करेंगे, वो अपीजमेंट है, इनको भर्ती करना है, इंजेक्शन लगवा देंगे एक एक करके धीरे धीरे, जिनको जेल में डालना चाहिए आप यहाँ लाके इलाज कर रहे हो, दूसरों को इन्फेक्ट कर रहे हो, खाना पीना खिला रहे हो, दवाइयाँ बर्बाद करो, मैनपावर बर्बाद करो, किट बर्बाद करो, सपोर्ट नहीं, दवाई से ज्यादा हमारा किट बर्बाद हो रहा है, इन पे जितनी बार हमारे 22 मरीज के लिए घंटे घंटे किट उतार उतार के लोग दौड़े हैं, अब एक घंटे में एक किट भरा है 1000 रुपए का नुकसान है, हमें कहना चाहिए ये जी टीवी इंडिया टीवी पे कि एक एक घंटे किट पहन के लोग उतार दिए भाग गए, किट 2500 का किट, अब आप सोचिए जिनको आपको दे डंडे जेल में डाल के एकदम क्या बोलते हैं आइसोलेशन, वहाँ सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रखना चाहिए, आप आइसोलेशन वार्ड में रख रहे हो, आइसोलेशन में भी अलग रखा जाता है पर खातिरदारी के साथ, नहीं जमात कन्फाइनमेंट होता है जहाँ पे जमात जो बदतमीजी कर रहे डॉक्टर से, क्यों ये कर रहे हैं? अच्छा क्या इतना इनको समझ नहीं आता? योगी जी को आदेश देना चाहिए कि ये जमाती के लिए कोई भी हमारे मैन पावर रिसोर्सेज स्टेट का गवर्नमेंट का नहीं यूज होगा, बस हम बता दें इनको, दो मिनट में दौड़ा दें, हमने 22 को जिस तरह से पूरी रात जग के हल्ला किया, तो सुबह आके एम्बुलेंस मिला तब वो कह रहे नहीं 60 एम्बुलेंस इनके लिए लगे हैं, इनके लिए लगे हैं खातिरदारी के, उस दिन रात को भी 80 मरीज लाए खातिरदारी के लिए, हमने कहा लगा बहुत सीएमओ से मैंने लड़ा, मैंने कहा सी आपने क्या समझा रहे हैं डीएम को तो वही डीएम तो वही करेंगे जो सीएमओ समझा रहे हैं, सीएमओ 80 लोगों का खातिरदारी में एम्बुलेंस दौड़ा रहे हैं, मैंने कहा खातिरदारी छोड़िए आप ये 22 लोगों को लेके जंगल में डाल दीजिए, बंद कर दीजिए जंगल में, काल कोठरी में बंद करिए, यहाँ ला रहे हैं तो बहुत बोले आप कैसे कह सकती हैं ये कोई सुन लेगा कोई ये वो, मुझे बहुत ज़्यादा दबाया गया और अभी भी हम खुल के थोड़ी ना बोल सकते हैं। हाँ, वही हमें एक चीज डिमांड करिए कि इनको अलग से आइसोलेट करवाया जाए। आप लोग कह सकते हैं आप मीडिया में। नहीं मैडम एक काम करिए ना। किसी से कहलवा सकते हैं कि ये तो अपीजमेंट कर रहे हैं आप मरीजों का और एट द कॉस्ट ऑफ बाकी लोग, एट द कॉस्ट ऑफ हेल्थ वर्क, एट द कॉस्ट ऑफ स्टेट मनी, एट द कॉस्ट ऑफ पब्लिक को आप 100 करोड़ पब्लिक सैक्रिफाइस कर रहे हैं, ये 1 करोड़ लोग के लिए, 20-30 करोड़ लोग के लिए जिनका इंटेंशन कुछ और ही है, 100 करोड़ है 30 करोड़ ये, और जिनका इंटेंशन ही कुछ और है उनका जो फैलाने लगे। मैडम एक काम करिए, आप सुनिए मैडम, झोंक तो पूरा मैडम जी, अभी गवर्नमेंट नेगेटिव में चली जाएगी जीडीपी में, तो क्या कहते हैं कि आर्थिक इमरजेंसी आएगी, इनकी वजह से आर्थिक इमरजेंसी आ जाएगी।